करते हैं अलग अलग टाइप्स के स्टेबलाइजर और इन्वर्टर और उनके प्राइस के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने हमारे 5 kVA का स्टेबलाइजर है। इसकी कैपेसिटी 90 वोल्ट टू 220 वोल्ट है, यानी 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक इनपुट आने पर यह वर्क करेगा। इसकी कीमत है 5500 रुपये और ये प्योर कॉपर में है। हमारे ये स्टेबलाइजर भी 5 kVA है, बट ये हमारा एल्यूमिनियम बाइंडिंग में है और इसकी कीमत हमने रखी है 3500 रुपये। ये इन्वर्टर आप देख रहे हो, इसकी कैपेसिटी 500 वाट यानी 675 VA है, 625 VA है और इसकी कीमत हमने रखी है मात्र 2200 रुपये। ये भी प्योर कॉपर में है। और ये इन्वर्टर जो आप देख रहे हो, इसकी कैपेसिटी भी 500 वाट है, बट ये एल्यूमिनियम बाइंडिंग में है। इसकी कीमत हमने रखी है मात्र 1800 रुपये। ये स्टेबलाइजर भी हमारा कॉपर बाइंडिंग में, बट ये 5 kVA है। और ये स्टेबलाइजर जो आप देख रहे हो, ये आपका 250 वाट का स्टेबलाइजर, R2 cut स्टेबलाइजर है। ये हम TV पर या फिर म्यूजिक सिस्टम पर यूज़ करते हैं। इसकी कीमत रहे हमारे पास मात्र 450 रुपये। ये भी प्योर कॉपर बाइंडिंग में है। और ये स्टेबलाइजर आप देख रहे हो, ये हमारे सब 500 वाट की कैपेसिटी है इन सबकी। और ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल फ्रिज या कूलर वगैरह पर करते हैं। इसमें कॉपर बाइंडिंग में इसकी कीमत हमारी 1450 रुपये है और एल्यूमिनियम बाइंडिंग में इसकी कीमत 1150 रुपये है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ AC के लिए स्टेबलाइजर। ये स्टेबलाइजर जो आप हमारे सामने देख रहे हो, दिखने में दोनों एक जैसे ही हैं, बट ये सब वाला हमारा कॉपर बाइंडिंग में है और ये सब वाला हमारा एल्यूमिनियम बाइंडिंग में है। कॉपर बाइंडिंग कीमत, ये 4 kVA स्टेबलाइजर है। इसकी कैपेसिटी 110 to 290 वोल्ट है। इसमें लोकट, हाई कट और टाइमर हमने सब कुछ दे रखा है दोनों में, बट फर्क केवल बाइंडिंग का है। ये कॉपर बाइंडिंग में है और ये एल्यूमिनियम बाइंडिंग में। और इसकी कीमत हमने रखी है 4800 रुपये और इसकी कीमत हमने रखी है मात्र 3800 रुपये। और दोनों 4 kVA के हैं और दोनों ही AC पर एल्यूमिनियम बाइंडिंग भी बहुत अच्छा चलता है, कोई शिकायत नहीं आती है। बट बहुत से कस्टमर्स जो डिमांड करते हैं कि कॉपर बाइंडिंग चाहिए, तो उनके लिए कॉपर बाइंडिंग का भी अरेंजमेंट हमने कर रखा है। वो बाकी डिपेंड करता है कस्टमर के चॉइस के ऊपर कि कॉपर ले या फिर एल्यूमिनियम। बट मोस्टली AC पर स्टेबलाइजर एल्यूमिनियम बाइंडिंग में ही लगते हैं और फॉल्ट नहीं आता है। बाकी इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के स्टेबलाइजर वगैरह हम लोग बनाते हैं, जैसे कि हम लोग रिपेयर भी करते हैं, सर्वो, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर और बैटरी वगैरह मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में। आपको बैटरी संबंधित जानकारी भी दूंगा, पर मैं आपको अपने बताता हूं कि हम लोग क्या क्या करते हैं यहां पर। जैसे हम लोग नई मैन्युफैक्चरिंग तो करते ही हैं कस्टमर की डिमांड पर, और ये रिपेयर वगैरह भी हम करते हैं, पुराने स्टेबलाइजर रिपेयर करना या इन्वर्टर रिपेयर करना। और नए स्टेबलाइजर वगैरह भी आप देख रहे हो हम सेल करते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट हो, किसी भी शहर में हो, आप हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और हम आपको जैसा पॉसिबल होगा वैसा उसका रिप्लाई करेंगे। अगर भेज सकेंगे तो हम आपको बता देंगे, अगर नहीं भेज पाएंगे तो हम आपको वैसा बता देंगे। आप नंबर हमारा नोट कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9897267923 और हमारी फर्म का नाम है सिग्मा पावर सिस्टम्स, कॉलेज रोड, बरेली। थैंक यू।